पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 100 नंबर की गाड़ियां जिसका करोड़ों रुपया का किराया सरकार दे रही है, क्या वह 100 नंबर की गाड़ियां बंद हो गई हैं या सिर्फ वसूलियां ही कर रही है। ऐसी घटना दुर्घटना जब बड़ी बड़ी 100 नंबर की गाड़ियां चल रही है उसके बाद कैसे हो रही है, किस बात का पैसा इन 100 नंबर की गाड़ियों को जाया किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने भाजपा पर कंज तस्ते हुए कहा कि आपको कोई ना कोई तो विचार करना ही पड़ेगा कि ऐसी दुर्घटनाएं आखिर क्यों हो रही है, उसके तह तक जाना ही पड़ेगा। लगातार स्थानांतरण होने से कर्मचारियों अधिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं कि हमारी पीठ पर सरकार का हाथ है और उसका यह भोग बच्चियां बेटियां माँ बाप और थाने के चक्कर काट काट कर भोग रहे हैं। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों की नैतिकता ही खत्म हो गई है। वह कहते हैं न पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं होते। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाए और कहा कि 15 दिन में जितने भी दुराचार हुए हैं वह एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया बल्कि सामूहिक हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कारण क्या है, जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में विशेषकर पुलिस महकमे है में राजनीतिक ज्यादा हो रही है और अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है तो वह अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं, फिर ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं घटित होने लगती है। बात सही है, बेटी की बात 15 साल यहां हुई, उसी बेटी की बात दिल्ली प्रधानमंत्री ने करने लगे, उनने भी इसको टेकन ओवर कर लिया, साध्य कर लिया। मैं बोल रहा हूँ नारा देना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको संरक्षित और सुरक्षित कैसे करें, उसका क्या दायरा बनाया है, क्या पैरामीटर्स बनाए हैं, क्या नीति निर्धारण की है, वो गायब है। उसी की बात माननीय ने प्रश्न किया, हाँ हम तैयार, आइए सामूहिक रूप से बैठे हम करें। और उसमें सामूहिक रूप से पहले जब हम 85 में आए थे 90 में आए थे तो अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों को भी ऐसी सामूहिक मीटिंग में बुलाते थे, याद है मेरे को, क्योंकि समाज का वो भी एक अंग है, समाज के एक अच्छे अंग जुडिशरी भी है। ऐसे सब लोग बैठो ना, बनाओ ना नीति, ये गैंग रेपिस्ट के खिलाफ आपको कुछ ना कुछ बहुत ठोस मजबूत नीति बनानी पड़ेगी। और हम आपका जो प्रश्न है उसके माध्यम से सहमत हैं और हम मांग करते हैं वर्तमान शासन से, आइए हम सब एक साथ बैठें और उस पर नीति बनाएं। क्या कोई नीति बनाएंगे? साथियों, मैंने आपको खरगोन, जबलपुर, सतना, नरसिंहपुर, भोपाल, ये 15 दिन में मध्य प्रदेश में व्यभिचार और इस प्रकार की घटनाएं गैंगरेप के माध्यम से हो रही है। मध्य प्रदेश में गैंगरेप हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, उन परिवारों के पालकों के लिए दुखद है जो चक्कर काटते रहे, जो न्याय की भीख मांगते रहे, थानों में जाकर 5-5, 10-10 दिन भटकते रहे, हमें कहीं ना कहीं वो क्या लिखते हैं पुलिस थाने के बावर, क्या लिखते हैं स्लोगन, सत्यमेव वाह वाह। पुलिस महकमे से निवेदन कर रहा हूं कि जब थाने में जाते हो, पुलिस लाइन में जाते हो, डीजीपी और पुलिस मुख्यालय में जाते हो, लिखा है सत्यमेव जयते, क्या पढ़ने के बाद भूल जाते हो? कहां गया जयते, कहां गई हमारी बच्चियां? साथियों, कोई ना कोई कड़े कदम, कोई ना कोई कड़ी नीति, कोई ना कोई कड़ी बात। पहले तो मैंने सुना था अगर ऐसी बात आती थी तो थाने में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाती थी और उसकी जांच की जाती थी। ये थंब रूल था कि अगर ऐसी व्यभिचार की दुराचार की रिपोर्ट आती है पहले रिपोर्ट लिखिए और उसका फिर विवेचना करिए।
आखिर कौन से लोकल पॉलिटिकल दबाव हैं, कौन लोगों के, कौन दल के, लोकल के पॉलिटिकल दबाव हैं जिसके कारण पुलिस महकमे ने कार्रवाई नहीं की और प्रतिफल गैंग रेप तक आ गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की है। मैं प्रशासनिक बात के साथ साथ, आपने सुना होगा, जो सत्ता में है, सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की भी बात कर रहा हूँ मैं। राज्यपाल द्वारा शपथ लिए गई बात भी मैंने की है। अब ये तो जो है सत्ता में, हम बुलाएं तो क्या सत्ता वाले आने को तैयार हैं? चलिए चलिए हम बुलाते हैं कि चलिए इस पे अपन नीति बनाए। मैं आपके माध्यम से यहीं से अनुरोध कर रहा हूँ कि आइए गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सापा बासापा जो भी दल के नेतृत्व हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के 4-5 लोग आ जाएंगे, चलिए इस पे चिंतन करें अपन, हम तो तैयार हैं। सर पहले 15 साल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सिर्फ व्यवाचार, दुराचार और दरंदगी जो प्रदेश में फैल रही है इसके बारे में बात कहने आया था। ये 5 जिलों में हुआ है प्रदेश के, और कटनी में भी हुआ है। अरे बोले कटनी में भी हुआ, रेलवे स्टेशन का रिटायरिंग रूम, अब साहब मैं तो यूं कहूं 28 तारीख में नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली थाना के अंतर्गत फिर गैंगरेप की बात आती है। वो महिला 5 दिन घूमती है, रिपोर्ट नहीं लगी जाती है, अपनी लीला समाप्त कर लेती है, उसका पति दर दर भटकता है। मेरे को तो ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कुछ देर बाद मध्य प्रदेश शासन बोले, जैसे उत्तर प्रदेश में बोल रही है, भाई 97 घंटे बाद, 97 आवर्स के बाद मोटे मोटे रूप से जिसके साथ दुराचार होता है उसके बाद अगर कुछ करो तो वो चीज़ स्पष्ट नहीं होती कि इसके साथ दुराचार हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, लेकिन मेरी जानकारी है। अब जो 28 तारीख में हुआ, 2 तारीख में लीला समाप्त कर रही है, उसके बाद लीला समाप्त होने के बाद उसकी आप जांच कर रहे हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में गर्दन की चोट है, रीढ़ की हड्डी की चोट है, रात में जला दिया, लेकिन बाद में पता नहीं कहां से डीएनए आ गया कि इसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं था। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नारे तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए, इसकी आज तक आपने 15 साल में कोई नीति नहीं बनाई कि इनकी रक्षा कैसे की जाएगी, नहीं बनाई। ध्यान रखना, आप पुलिस में भी हो, यहां की न्याय अन्याय पाप पुण्य की डायरी भले ही ना हो, लेकिन ऊपर वाले के पास है। आप भले ही नौकरी में हो, महकमे को बचाने के लिए कहीं पे भी तुम कुछ बोल दो, लेकिन ऊपर पाप पुण्य तो लिखा जाएगा। ये भी एक कारण है कि हमारी बेटियों के साथ जो सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, ये गैंगरेप करने वाले पाप और पुण्य भूल गए हैं। जब तक संस्कृति सभ्यता में पाप और पुण्य शब्द जुड़ा था सनातन धर्म में, तो लोग डरते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। अब शायद वो चीज लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, इसलिए ऐसे कुकृत्य हो रहे हैं। साथियों, मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, हर उस विद्वान, हर उस जागरूक व्यक्तित्व को
कि आइए अगर ऐसी कोई जानकारी आ रही है या कोई स्कूल के सामने आमने कुछ ऐसी छेड़छाड़ हो रही है, आप पुलिस को लिखवाइए। आज तक मैंने नहीं देखा कि महिला पुलिस ने किसी गैंग रेपिस्ट को पकड़ा हो। जबलपुर में क्या हो रहा है, 2 साल की बच्ची घृणित, 2 साल की बच्ची, क्या है ये? आज कोरोना काल में वैसी पार्टियां बन्द हैं, कहीं पे जन्मदिन की पार्टी चल रही है, क्या पुलिस महकमे को नहीं मालूम क्यों पर्दा डाल रही है? एक 2 साल की बच्ची, अगर यही कांड निर्भया टाइप का हो जाता तो देश में और प्रदेश में आग लग जाती, लेकिन प्रदेश मौन, सत्ताधारी सत्ताधीन लोग मौन। आखिर ये प्रश्न चिन्ह लग क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासनिक दक्षता में कमी आ रही है, उसका ये प्रतिफल है। आईजी पूरा महकमा है, इंटेलिजेंस है, क्या कर रही है? क्या प्रदेश में ये घटनाएं ऐसी होने देंगे? नहीं, ये सिर्फ 6 महीने में ये गैंग रेप का बदलाव फिर इसलिए आया है कि अपनी अपनी मर्जी के चीन चीन के अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में विशेषकर पुलिस महकमे में बिठा ले गए और उसका ये प्रतिफल है। दूसरे जगह भी ऐसे स्थानांतरण हो रहे हैं, हो रहा होगा चुनाव आयोग, अगर सामूहिक अगर कोई पूरे प्रदेश का चुनाव होता तो 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती, यहां 28 दिन पहले है तो 6 दिन पहले लग रही है, उस तब तक ये स्थानांतरण हो रहे हैं। मैं स्थानांतरण की बात कर रहा हूं, इससे लोगों के अधिकारियों के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे पीठ पे हाथ है और उसका ये भोग बच्चियां बेटियां वो परिवार वो माँ बाप थानों के चक्कर काटते हैं, पुलिस वाले उनको ऐसा लाचार समझ के छोड़ देते हैं और उन्हीं को बंद करते हैं। उन पुलिस वालों की नैतिकता भी खत्म हो गई, कहते हैं ना पुलिस वाले अपने बाप के नहीं होते, अरे कम से कम बच्चियों के हो जाओ, वो अबोध बच्चियों के हो जाओ। पिछले 15 महीने बताकर क्या ये चीजें रुक जाएंगी? नहीं, हर चीज में तुलनात्मक बात नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमको अपने नैतिक सिद्धांत और कर्तव्य निष्ठ जिसके तहत एक मंत्री और एक मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने शपथ लेता है, उस शपथ को भी ध्यान में लेते हुए अपना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। आईजी पूरा महकमा है, इंटेलिजेंस है, क्या कर रही है? क्या प्रदेश में ये घटनाएं ऐसी होने देंगे? नहीं, ये सिर्फ 6 महीने में ये गैंग रेप का बदलाव फिर इसलिए आया है कि अपनी अपनी मर्जी के चीन चीन के अधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में विशेषकर पुलिस महकमे में बिठा ले गए और उसका ये प्रतिफल है। दूसरे जगह भी ऐसी स्थानांतरण हो रहे हैं, हो रहा होगा चुनाव आयोग, अगर सामूहिक अगर कोई पूरे प्रदेश का चुनाव होता तो 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती, यहां 28 दिन पहले है तो 6 दिन पहले लग रही है, उस तब तक ये स्थानांतरण हो रहे हैं। मैं स्थानांतरण की बात कर रहा हूं, इससे लोगों के अधिकारियों के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो गए कि हमारे पीठ पे हाथ है और उसका ये भोग बच्चियां बेटियां वो परिवार वो माँ बाप थानों के चक्कर काटते हैं,
पुलिस वाले उनको ऐसा लाचार समझ के छोड़ देते हैं और उन्हीं को बंद करते हैं। उन पुलिस वालों की नैतिकता भी खत्म हो गई। कहते हैं ना पुलिस वाले अपने बाप के नहीं होते, अरे कम से कम बच्चियों के हो जाओ, वो अबोध बच्चियों के हो जाओ। खरगोन में क्या हो रहा है, फिर 16 साल की नाबालिग किशोरी, 3 बदमाश, फिर गैंगरेप। ये यूपी की घटना के तत्काल कुछ दिन बाद, क्या है क्या ये, हमने पकड़ लिया 3 आरोपी हैं, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन विषय ये है कि रात की गश्त बदल हो गई, 100 नंबर की गाड़ियां बंद हो गई, इसलिए रात में ये सब हो रहा है। उसके तह में क्यों नहीं जा रही है पुलिस महकमा और सरकार? हाँ जाना पड़ेगा आपको, रोकथाम करने के लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सस्ती लोकप्रियता के लिए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसकी इतनी घोषणा कर दी, वो ठीक है छप गया, लेकिन उसके अंदर घुसे क्या, आपके अधिकारी घुसे क्या, इतनी मोटी तनख्वाह महीने की क्यों पा रहे हैं? क्या इसलिए पा रहे हैं कि हमारे प्रदेश की अबोध नाबालिग बालिकाओं के साथ गैंगरेप हुए? ये बंद करना पड़ेगा, पूर्ण विराम कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा, पुलिस महकमे को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। नारा दो, संवेदनाएं लूटो और बेटियों को भूल जाओ। जो पिछले 15 दिन में हुआ है ये दर्शाता है कि बोलते क्या हैं, करते क्या हैं और जनता को कैसे मन भावन बातें करके जब वोट बैंक खसकने लगता है तो ऐसी बातें करके डाइवर्ट कर देते हैं, मोड़ मोड़ देते हैं। साथियों साथियों चलिए, सतना पहले कुछ दिन पहले गोली चली, एसपी को बदला, अब क्या हो रहा है, उचेहरा थाना 16 साल की लड़की चाकू की नोक पर, क्या थानेदारों की रात की गश्त बंद हो गई है? 100 नंबर की गाड़ी जिसका करोड़ों रुपए का किराया सरकार दे रही है, क्या वो 100 नंबर की गाड़ियां बंद हो गई हैं या सिर्फ वसूली कर रही हैं? ऐसी घटना दुर्घटना जब बड़े करीब करीब पे ये 100 नंबर की गाड़ियां चल रही हैं, उसके बाद क्यों, और कोई 100 नंबर की गाड़ी के माध्यम से आज तक इतला हुआ नहीं हुआ, किस बात के पैसा जाया कर रहे हैं आप? 16 साल की कन्या के साथ उचेहरा में सामूहिक, नहीं, आपको कोई ना कोई ये विचार करना पड़ेगा कि ये दुर्घटना हो क्यों रही है, उस तह में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये कर दिया हमने, इसको इतनी घोषणा कर दी, उस थानेदार का ये कर दिया, वो ठीक है अपनी जगह सामने रखेंगे, जिसके 15 दिन में हुए हैं वो एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया बल्कि सामूहिक गैंगरेप हुए हैं। अंतर समझ लीजिए, ये सब गैंगरेप हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कारण क्या है? हां, जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज्यादा बढ़ जाता है, अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, व्यवाचार, दुराचार होना चालू हो जाते हैं। आप ये देखिए, 2 साल से लेकर 16 साल तक ये 4-5 जगह जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये है क्या, ये है क्या? उत्तर प्रदेश से सीख नहीं सीखे हम करते क्या हैं राजनीतिक लोग,
अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो पीछे के आंकड़े घुमाने लगते हैं जैसे कोई फसल की पैदावार। इस मैंने एक शब्द बोला जो सनातनी शब्द है, पाप और पुण्य। जब तक ये बोध पुनः नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं तुम कोई धारा बना लो। मैं बोल रहा हूं ना, अब तो ये होने लगा है, पुलिस बचाती है दोषियों को और फिर अगर कोई साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को किस तरीके से मिटाना है, जब वही परिपाटी शुरू हो गई है तो फांसी की बात तो बेईमानी हो जाएगी मित्र। दिक्कत वो हो गई है जिस व्यक्ति को उस थाने में, उस जिले में अपनी ड्यूटी करने के लिए नियुक्त किया गया है, अगर वही बेईमानी करने लगेगा हम और आप क्या करेंगे? आप भी कैमरा लेके जाओगे? वो बोल देंगे ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था और वो क्या पोस्टमार्टम में ऐसा है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, साक्षी मिटा दिए। बोलते हैं कि गर्दन पे निशान है, रीढ़ पे निशान है, 2:30 रात में जला रहे हैं, जरूरत क्या थी 2:30 रात में? सब जगह गए हैं। देखिए आपने बोला कोई नेता गए, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए, बात ना 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 ना। देखिए मुख्यमंत्री गए कहीं, गृहमंत्री गए कहीं? चलिए मैं भी बात करता हूँ, नहीं नहीं मैं भी बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री गए कहीं, गृहमंत्री गए कहीं? उनके पास तो सर्व सुविधाएं युक्त हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर सब चीज़ें युक्त हैं, प्रशासनिक महकमा सब चीज़ें हैं। ये दोनों गए क्या? उनके बारे में पूछो। आज प्रश्न ये है कि सत्ता और सत्ता के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी क्या कर रहे हैं, आज प्रश्न ये है। हमारे यहाँ के लोकलाइट नेता गए हैं वहाँ, गए हैं जी। अब आप ये देखिए बंधु, हाँ कोई कोऑर्डिनेशन में आपको बता, आज समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री का बयान ज्यादा है 90%, 10% किसका है? गृहमंत्री का। अब वहीं पे क्या हो रहा है, इतना सक्षम गृह मंत्री, बुद्धिमान, विधानसभा के अंदर संसदीय ज्ञान, जब कोई कैबिनेट होती है तो ब्रीफिंग में वही आते हैं, उनके विभाग में कोई बात है तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को उन्हीं से बुलवाना था ना, एक मिनट, उन्हीं से बुलवाना था। चलिए छोड़िए, अब मुख्यमंत्री ने कुछ बात बोली, ये बात सतना में क्यों नहीं बोली कि पुलिस महकमे के साथ क्या होगा, खरबोन में क्यों नहीं बोली, ठीक है, शेपुरा थाने में क्यों नहीं बोली जहां दो साल की बच्ची के साथ हुए, कहां गए वहां के प्रभारी मंत्री, गए क्या, कहां गए यहां के डीजीपी, कहीं चीफ सेक्रेटरी गए क्या? अब मैं ये बात करूं, आप लोग राजनीतिक व्यक्तियों की बात कर रहे हो तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े बंगले, गाड़ी घोड़े, सुविधाएं किस लिए दी गई हैं? ये घटनाएं बढ़ने का ये भी एक कारण है। आठ दस डीजीपी हैं, डीजीपी इतने ही है ना, एक मुख्य होता, बाकी पता नहीं कहां कहां कितने बनाए हुए हैं, और एक आध ना कहो सुरेंद्र का जबलपुर में बैठा हुआ, वो गया क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह गए क्या कहीं? नहीं। हम लोग राजनीति में उलझ के रह जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिस बात से वो बैठी हैं और जिस बात से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, दोनों भिन्न नहीं, दोनों भिन्न है, पार्टीगत नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी। एक मिनट, आपने प्रश्न किया बंधु, मैं उत्तर दे रहा हूं।
हम कुछ ऐसी ही दिशा मोड़ के मूल मुद्दे को विचलित कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। मैंने बोला कि हर चीज में तुलनात्मक बात नहीं होना चाहिए, ये तुलनात्मक बात नहीं है। जो वर्तमान में हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।